हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे मैंगो की आइसक्रीम। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। मैंने एक ये जार ले लिया मिक्सी का, और मैंने ये एक गिलास दूध ले लिया है, एक कटोरी मैंने चीनी ले लिया, एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर ले लिया। आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने एवरीडे का लिया था। और एक कटोरी मैंने होममेड मलाई लिया, ये मेरी होममेड मलाई है। आप चाहे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट होममेड की ज़्यादा बेस्ट है, तो आप कोशिश करना होममेड ही लेना। देन उसको मैंने जार में मिक्सी में कर लिया है एक बार। अब ये देखिए, इसका जो थोड़ा सा हमको इसमें निकाल लेंगे। अभी इतना सा इसमें निकालने के बाद मैं इसमें मैंगो ऐड कर दूंगी, छोटे छोटे कटिंग करके मैंगो ऐड कर दूंगी। अब हम इसको भी एक बार पीस लेंगे सही से। अब हमने वो पीस लिया, अब हम इसको इस कटोरे में सारा डाल देंगे। ये देखिए गाइस, अब ये मैंने ये पन्नी ले लिया। आप कोई सी पन्नी ले, जिससे कि इसके अंदर बर्फ जमने का प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो पन्नी ऊपर से ज़रूर ढाकना गाइस, क्योंकि आइसक्रीम में बर्फ जम जाएगी। अगर आपने कोई बर्तन से ढाका तो 100% इसमें बर्फ़ जम जाएगी। अब मैंने ये पन्नी से इसको अच्छे से कवर कर दिया है इस तरीके से। और गाइस, होममेड आइसक्रीम, होममेड चीज़ें ही हमें करना चाहिए, क्योंकि बाहर इतनी हाइजीनिक और चीज़ें मिलती हैं। और ये हमारा वो जो हमने पहले भी थोड़ा सा निकाल लिया था ना आइसक्रीम का, जो हमने बनाया था, तो इसको भी हम ढाक देंगे उसी पन्नी से। मैंगो ऐड करने से पहले हमें इसको थोड़ा सा निकाल लेना। अब दोनों को हम फ्रीज़र में ऐड कर देंगे, रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। और गाइस प्लीज़ वॉइस अवॉइड करना। अब 3 से 4 घंटे बाद इसको हम दोबारा निकालेंगे और इसको चलाएंगे। इसके अंदर थोड़े से मैंगो ऐड करेंगे, छोटे छोटे कटिंग करेंगे। और जो हमने वो अलग से आइसक्रीम जो जमाई थी ना, वो भी इसी में ऐड करेंगे। उनको थोड़ा कलरफुल हो जाएगी, दिखने में अच्छी लगेगी गाइस। इस तरीके से चला लेना। और अब हमको इसके अंदर ही आइसक्रीम ऐड करनी है। ये देखिए गाइस, कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी हमारी, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी थी गाइस ये। और प्लीज़ होममेड ही ज़्यादातर चीज़ें करनी चाहिए गाइस। वैसे भी इतना वायरल चल रहा है, हाइजीनिक होता है नहीं खाना चाहिए मैं बाहर का कुछ भी। अभी हमने इसमें डाल दिया, अभी मैंने छोटे छोटे मैंगो डाल दिए कटिंग करके। हम उसको मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे इसको। अब ये करके दोबारा से हमको इसके ऊपर थोड़ी आइसक्रीम डाल देनी जो बचाई थी। इस तरीके से मैंने डाल दी है। और हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे वैसे पॉलीथीन से, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए गाइस। इसमें हल्की सी भी हवा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें बर्फ जम जाएगी, इससे हमारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने इसको रख दिया था, उसके 2 घंटे बाद हमने निकाला। ये हमारी आइसक्रीम है रेडी, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है गाइस, बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम जमी हमारी, ये देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब कर दो ना, क्यों नहीं करते हो। ये देखो गाइस, हमारी आइसक्रीम रेडी है खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें मानसी रेसिपी ब्लॉग। थैंक यू। मैं भी गई थी।